जुगरे हरिद्वार जाओगे जो न्यू पूछ जिले में अगर किता आया है अगर अटकेसर धाम से अगर हड़ाने की जरूरत नहीं थी। हाट में आया हूँ जो कि अलका जो सिद्धू है सिद्धू अलके के अंदर ये गांव आता है और दोस्तों यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जींद में गांव आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांव हाट में क्यों आए हुए हैं, यहां पर जो हटकेश्वर के नाम से यहां पर धाम है और भाई इस धाम की काफ़ी अच्छी जो मान्यता बताई जा रही है। और मैं आपको बता दूँ कि जो अब की बार है इस सावन के महीने में कि जो लास्ट जो दिन होता है और आज के दिन जो रविवार है भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रक्षाबंधन भी है और इसके बारे में हम आज इतिहास भी जानेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो मैं कैमरा मैन को कहना चाहूँगा कि मुझे दिखाए कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सूर्य कुमार साहब देख सकते हैं भी आज आपको यहाँ पर इसका जो इतिहास यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, काफ़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बातचीत यहाँ पर करना चाहेंगे जो मौजूद है। राम 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 सारे जय हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने श्रद्धालुआ ने अटकेसर धाम हाट की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आज इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों के सुख शांति की प्रार्थना है। अच्छा जी आप ये बताओ थोड़ा हम जानना चाहेंगे जो हटकेश्वर मंदिर है थोड़ा इतिहास बताया आप इसको। ये शिव का मंदिर है पहले सबसे पहले तो शिव बाबा का और फिर दधीचि ऋषिया ने जब दानों की और देवता की लड़ाई हो रही थी तो अपनी हड्डियों का दान कराया था अकबर सिद्ध तीर्थां की पानी में स्नान करके मैं धारा में जब अपना देह त्यागूंगा तो फिर वो अड़सठ तीर्थों की धारा यहाँ आई थी। दधीचि ऋषि की हड्डियों तो दानों का नाश होया था और सृष्टि सुप्त बसी थी। ये अड़सठ तीर्थों का सरताज भी कहा जाता अटकेसर धाम हाट को। और फिर महाभारत काल में अश्वत्थामा की मणि पांडुआ ने इसी धरती पर निकाल ली थी। अच्छा जानता हूँ जो ये अड़सठ तीर्थ आपने बताया कि लेकिन सुना है कि जो ये मंदिर है यदि इस मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं इस धाम की परिक्रमा करने से है अड़सठ तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। बिल्कुल। तो इसे अड़सठ तीर्थों में जो धाम है वो कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र की 80 कोस की परिधि में जितने भी मंदिर आते हैं देवभूमि में उनमें का सबसे ऊपर जुगरे हरिद्वार जाओगे जो न्यू पूछ ले में अगर किता आया है अगर अटकेसर धाम से अगर हड़ाने की जरूरत नहीं थी वो ये मंदिर बड़ा है। इससे सबसे बड़ा मंदिर सब तम सारी धारा गंगा भी आए सरस्वती सारे मंदिर अड़सठ तीर्थ आगे तो फिर और रह के गया। लेकिन सुनने में आया कि कम से लगभग 35-40 किले लगभग इसके लिए थे और देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में इसकी जगह थी तो आज वो कम है क्यों है? 86 किले हैं भाई, कम क्यों है? जी कम क्यों है? बना तो कम नहीं नहीं आगे जमीन पड़ी देखो हो रही आगे दूर तक 86 किले तो खेती हुआ है ये जोड़ भी इससे की में तालाब है इस आगे है 86 किले हैं 86 किले इपरी दी में है कम क्यों होगी? धरती की तो खत्म होगी नहीं खत्म तो नहीं होगी लेकिन जो आप देख सकते हैं बाउंड्री कम है लेकिन जमीन तो यह मंडी है अनाज मंडी आगे वाटर सप्लाई है सारे इसी की जमीन में है। अच्छा जो यहाँ पर सरदार लोग आते हैं क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल है जो श्रद्धा धाम में है स्नान करके धोख मारो बाबा उसकी मनोकामना किसी कोई बीमारी है बीमारी है अगर और के में इच्छा है हर मनोकामना पूरी हो है। जी जी जी
आप देख लो आ रहे हो आज तो आप नहाकर स्नान करके और आशीर्वाद ले लो और जो कुछ मन में कहोगे हो जाएगा। हाँ मनोकामना पूरी हो है, करे है। धन्यवाद आपका नाम परिचय जी। मेरा वीरेंद्र है भाई का बिल्लू प्रधान हूँ तीर्थ कमेटी का गांव माड़ा ने गुआंडिया ने बना रखा हूँ बिल्लू प्रधान है आठ। और कुछ इसके बारे में आप बताना ना ये बहुत है भाई आम तो नहीं हुआ कहा जिस भाई की भी किसी भी डाल की मनोकामना हो श्रद्धालु की आके बाबा के दर्शन करो उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो भाई देख सकते हैं जो खाटकेश्वर मंदिर के जो प्रधान है बिल्लू प्रधान ने बताया कि जो यहाँ की जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ का इतिहास मैंने जानने की कोशिश की है। एक बार मैं कहना चाहूँ कैमरा मैन से उधर दिखाए भाई देख सकते हैं तीर्थ में यहाँ पर जो स्नान कर रहे हैं और भाई जो सावन के लास्ट महीने में है यहाँ पर भाई जो बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। तो सूर्य कुमार साहब देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं भी इस वक्त हम अपना स्नान कर रहे हैं। इधर दिखाना चाहेंगे कैमरा मैन से कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं भाई जितने दर्शक ये देख रहे हैं जा रहे हैं आंटी भाई साथ के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल ऊपर तक दिखा भाई ऊपर तक दिखा ऊपर से नीचे दिखा। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो ये बड़ा तीर्थ बताया जा रहा है और 68 तीर्थों की परिक्रमा करने से है भी यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है क्योंकि दोस्त ये ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ की परिक्रमा कर लेते हैं तो 68 तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। जितने दर्शक है हमारे जहरी आंटी पर ये बड़ी देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि दोस्तों आज हमने हाटकेश्वर मंदिर जो कि सफेद हल्के में गाँव आता है हमने यहाँ पर जो महाभारत कहानी से जुड़ी ये धाम था इसके बारे में हमने जाना और जितने दर्शक भी देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।